नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। साल 2021 के पहले चक्रवाती तूफान तोकते ने अब गंभीर रूप ले लिया है। ये तूफान अब तेजी से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है और ये 18 मई को तड़के पोरबंदर और भावनगर जिले में महुआ के बीच से राज्य के तट को पार करेगा, जिसको लेकर गुजरात और दमन एवं दीव में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 मई तक हवा की गति 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने के आसार हैं, जबकि कुछ वक्त के लिए हवा की गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन चक्रवातों का नाम कैसे रखा जाता है? चक्रवात का नाम निर्धारित करने के पीछे एक इतिहास है और एक प्रक्रिया भी। चक्रवात तोकते के बारे में आपको बता दें कि ये नाम म्यांमार ने सुझाया था। ये एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ है छिपकली, एक अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। चक्रवातों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा तय किया जाता है। पैनल में 13 देश शामिल हैं: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश अपने क्षेत्र के चक्रवातों को नाम देते हैं। 2004 में इस समूह में शामिल 8 देशों ने 64 नामों की एक सूची को अंतिम रूप दिया था। प्रत्येक देश से 8 नाम सुझाए गए थे। पिछले साल मई में भारत में आया चक्रवात अम्फान उस सूची में अंतिम नाम था। इस सूची में पहला नाम निसर्ग चक्रवात का है जो अरब सागर से उठा था। इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। चक्रवातों का नाम वैज्ञानिक समुदाय, विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन टीमों और आम जनता को प्रत्येक चक्रवात की पहचान करने में मदद करता है। अगर इस क्षेत्र में एक साथ दो या दो से अधिक चक्रवात आ रहे हैं तो ये भ्रम दूर करता है। ये चक्रवात से जुड़ी चेतावनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में मदद करता है, जिससे सामुदायिक तैयारियों को बढ़ावा मिलता है। जब पिछले चक्रवात का उल्लेख या चर्चा करने की आवश्यकता होती है तो ये नामकरण प्रक्रिया भविष्य के लिए मदद करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।